इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है और यह हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे थोड़े से फूल मखाने, और इसी के साथ अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 छोटे चम्मच पोहा लिया है तो इसे भी हम डाल देते हैं पैन में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 काजू, 2 बादाम, और इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 दाने कच्ची मूंगफली के, तो इसे भी हम पैन में डाल देंगे। और अब इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मैंने इसे लगभग 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकालने के बाद हल्का ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसे अलग प्लेट में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया है और ये देखिए ये क्रिस्पी हो चुके हैं। और ये जो मूंगफली है इसका मैंने छिलका उतार दिया है और ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम ये जो सभी चीज़ें हैं इसे डाल देते हैं। और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में मैंने तैयार कर लिया है। तो आप इसी तरह से इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट जार में भरकर स्टोर भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बच्चों के लिए कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने स्टील का पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास के लगभग पानी। तो पानी मैंने डाल दिया है बर्तन में, अब इसमें हम ये जो सभी चीज़ें हमने ग्राइंड की हैं इसका पाउडर बना के तैयार किया है इसे भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें से। तो अब इसे हम गैस पर रख कर पका लेंगे। तो बर्तन को मैंने गैस पर रख दिया है और अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकने देंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो अब इसे हम पका लेते हैं। तो इसे पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, ये देखिए हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो गया है। तो बस इसी समय पर हम इसमें मिला देंगे 1 पिंच के लगभग नमक, इसे हम डाल देंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 बूंद घी। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। तो इसे पकाते हुए 3 मिनट और हो चुके हैं मुझे और ये हमारा बेबी फूड बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो फूड की कंसिस्टेंसी को आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो आप इसे लिक्विड रखें, बड़े बच्चे को आप इसे थोड़ा गाढ़ा भी खिला सकते हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे बच्चों को खिला सकते हैं। तो बेबी फूड अब हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारा सुपर हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड छोटे बच्चों के लिए। और इस फूड को आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को खिला सकते हैं और आप इसे लंच डिनर किसी में भी बनाकर खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी फूड है। अगर आप ये फूड अपने बच्चों को बनाकर खिलाते हैं तो बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, बच्चों की इम्यून पावर भी बढ़ने लग जाएगी और बच्चे का संपूर्ण विकास होने लगेगा। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है और यह हल्का गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 1 कटोरी फूल मखाने, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 बादाम, इसे भी हम डाल देते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 काजू और ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स लिए हैं, आप इसकी जगह पर खरबूजे के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी हम पैन में डाल देते हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो इसे भूनते हुए मुझे लगभग 1.5 मिनट हो चुका है और ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकालकर हल्का ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसे अलग प्लेट में फैलाकर अच्छे से ठंडा कर लिया है और ये देखिए ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अभी जो हमने चीज़ें ड्राई रोस्ट की हैं इसे हम डाल देंगे जार में और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी चीज़ों को मैंने एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो चुकी है और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने स्टील की कढ़ाई रख दी है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास के लगभग दूध
और इसी के साथ अब हमने जो ये पाउडर बनाकर तैयार किया है फूल मखाने ड्राई फ्रूट का, इसे भी हम डाल देंगे दूध में और इसे मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्प्स फ्री होने तक। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे पकने देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। तो इसे पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये देखिए हल्की हल्की ये फूलना भी शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें इसे पकाते रहना है 2 से 3 मिनट के लिए और चम्मच इसमें हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। और इसी के साथ अब इसमें हम मिला देंगे 1/2 छोटा चम्मच मिश्री का पाउडर, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में, मिक्स कर लेंगे इसे और इसे पकने देंगे। तो इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे, ये देखिए अच्छे से ये पक गया है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा लिक्विड है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और ये बेबी फूड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो हल्का ठंडा होने के बाद बच्चों को इसे हम बाउल में सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारा सुपर हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड फूल मखाने से बना हुआ। तो दोस्तों अगर आप फूल मखाने की बनी हुई रेसिपी बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों की बोन्स भी मजबूत होती है और बच्चों की इम्यून पावर भी बढ़ने लग जाती है। और इस रेसिपी को आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बनाकर खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच साबूदाना लिया है। तो साबूदाने को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अच्छे से फूल गया है। और इसी के साथ अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है फूल मखाने। तो 10 से 15 मैंने फूल मखाने लिए हैं और अब इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और ये हल्की गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ये जो फूल मखाने हैं इसे डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फूल मखाने ग्राइंड मैंने कर लिए हैं और अब गैस पर फिर से कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ साबूदाना और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 ग्लास के लगभग पानी और अब इसे हम एक बार मिला लेंगे और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो ये देखिए उबाल आ चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे लगभग 3 मिनट और हो चुके हैं, साबूदाना अच्छे से पक गया है और हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो बस इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 ग्लास के लगभग दूध, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे फूल मखाने का पाउडर। तो ये देखिए फूल मखाने का मैंने पाउडर बना लिया है, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो फूल मखाने के पाउडर को मिक्स करते हुए इसे 2 मिनट के लिए साबूदाने के साथ और पका लेंगे। तो ये देखिए इसे पकाते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं मुझे और सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर। तो इसे बनाने की रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच मिश्री का पाउडर, डाल देंगे इसे भी कढ़ाई में और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए सभी सामग्री को मिक्स करने के बाद मैंने इसे 30 सेकंड के लिए और पका लिया है और अभी हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये फूड थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार दूध और ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो बेबी फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये लीजिए बनकर तैयार है आपके घर के बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी। और इसे हम थोड़ा सा पिस्ता पाउडर से गार्निश कर देंगे जिससे कि ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप भी इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। इस
हेल्दी फूड को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच घी और इसे गर्म होने देंगे। तो ये देखिए घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बादाम, 2 काजू और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए काजू बादाम को मैंने हल्का सा भून लिया है और इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच पोहा। इसे हम डाल देंगे पैन में। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच सादा ओट्स। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 बाउल भरकर फूल मखाने लिए हैं, इसे भी हम पैन में डाल देंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है और अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग प्लेट में निकाल कर हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो सभी चीज़ों को अलग प्लेट में फैलाकर मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है और ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अब सभी सामग्री हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए सभी सामग्री मैंने जार में डाल दी है और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और एकदम बारीक पाउडर इसका बनकर तैयार हो चुका है। और आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयरटाइट जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बच्चों के लिए कैसे बनाना है। तो इसके लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी और अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। अब इसमें हमने ये जो पाउडर बनाकर तैयार किया है इसे हम डाल देंगे और अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्प्स फ्री होने तक। तो जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और चम्मच हम इसमें लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि तले पर ना लगे। तो इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है, इसकी ये देखिए प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है और एप्पल प्यूरी बनाने की रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। डाल देंगे इसे भी पैन में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे और ये हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो अब इसे हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो बेबी फूड अब हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है आपके घर के छोटे बच्चों के लिए हेल्दी वेट गेन रेसिपी। और इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट या लंच टाइम में बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं और अगर आप ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों का दिमागी विकास होने लगेगा, बच्चों का वजन हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।